चार दिन में आदमी कितना फेंक सकता है? हुआ और यही हुआ है। पिछला वाला किताब भी मुझे लगता है 6 दिन में ही लिखा था मैंने, और ये वाला जो आने वाला वो 4 दिन में लिखा है। मेरी बेटी अभी कहती है पापा आप हर रोज दो दो किताब लिख सकते हो अगर आप ऐसे करोगे तो, क्योंकि ये टेक्निक जो बहुत पावरफुल है। इसको समझने के लिए आपको एक समझना चाहिए, अगर मैं जंगल में जाता हूं और वहां घोड़ा है, ओके एक घोड़ा है, वो जंगली घोड़ा है, मुझे जंगली घोड़े को पकड़ना है क्योंकि मेरे पास एक काट है, मुझे उसमें उसको बांध के मेरा काट चलाना है, ओके जो बैल घोड़ा गाड़ी है उसके लिए मुझे घोड़ा चाहिए। मैं जंगल में जाता हूं और देखता हूं दूर एक घोड़ा है, अब इस घोड़े को अच्छा घोड़ा है इसको मुझे पकड़ना है ताकि मेरे गाड़ी चलाने के लिए काम आए, तो मैं कैसे पकड़ सकता हूं? कोई आइडिया आप लोगों में से? यू हैव एन आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? घोड़ा पकड़ा नहीं है ना, कैसे पकड़ सकते हो? एक हाँ उसके पीछे दौड़ के, फिर या उसको बेवकूफ बना के कहीं चारा लगा के किसी तरह उसको किसी तरह तकलीफ देकर उसको पकड़ सकते हो। ऐसा घोड़ा पकड़ा हुआ जिसको आपने मारा पकड़ा फिर उसको बांधा उसको बहुत पीटा और वो गाड़ी चलाएगा, वो चला सकता है, पक्का चला सकता है। लेकिन मजा आएगा उस घोड़े को? वो क्या आपका रियल घोड़ा हो गया कि वो गुलाम हो गया? गुलाम हो गया। अक्सर हम मन के साथ ऐसे ही करते हैं, मन एक्चुअली घोड़े की तरह होता है, इसको हम कितना टॉर्चर करते हैं, ये इसको गुलाम बना के रखते हैं, लेकिन हम कभी खुश नहीं होते। दूसरा तरीका हमारे होता है घोड़े को पकड़ने का, आप हर रोज जाना है जंगल में, देखा वो घोड़ा उधर है, सिर्फ जाओ खड़े हो जाओ कुछ मत करना, घोड़े को देखना रोज, घोड़ा नहीं आएगा आपके पास, वापिस चले जाना, दूसरे दिन वापिस जंगल में जाना, वापिस घोड़ा देखिएगा, वापिस कुछ मत करना, वापिस आ जाना। थोड़े दिनों बाद आपका और घोड़े का डिस्टेंस कम होते जाएगा क्योंकि घोड़े को भी डर नहीं लगेगा क्योंकि आप रोज आते हो रोज उसको देखते हो। एक दिन ऐसे करते करते आपको एक सीन बहुत फिल्मों में देखा होगा कि एक सीन ऐसा आएगा कि घोड़ा आपके पास आएगा, आप वही खड़े रहेंगे, वो एक्सप्लोर करने आएगी है कौन, रोज आता है और आप कुछ नहीं करोगे, तो आप जब हाथ लगाओगे तो ये आपकी गर्दन को पीछे हटाएगा, फिर आएगा छुएगा, फिर धीरे से आप हाथ लगाओगे, अब आपका घोड़ा आपका होने वाला है, समझ में आया? ये घोड़ा जिस दिन आपका हो गया फिर आपने उसको कुछ खिलाया, पहले डर के खाएगा फिर खाएगा, उसके बाद आप जब जाओगे तो घोड़ा आपके पीछे आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। इस बार ये घोड़ा गुलाम है आपका कि दोस्त? दोस्त। इसको आपने कुछ भी बोला वो करेगा नहीं करेगा? दिस इज एग्जैक्टली, जब मन को हम ऐसे ट्रेन करते हैं ना, बार बार आप इसको देखोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, जब ये सांसें चलती है, जब ये आप उसमें करोगे बिना उसको एफर्ट डाले, कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, रोज देखना है, एक दिन ये मन आपके साथ मिलके एक अद्भुत चीज करेगा और जो आप भी भरोसा नहीं करोगे कि ये चमत्कार कैसे होगा। और यही चीज मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि दिस इज पॉसिबल इवन विद योर माइंड, ओके। तो ये प्रैक्टिस आप कीजिए, इसके बारे में सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हम लोग कर रहे हैं, इसके लेवल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये वाले सिंपल लेवल है, जैसे अभी ये कभी चीज रेड बेल्ट सर्टिफाइड, ये किसी को भी सर्टिफाई कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप ही सिखा सकते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतना ही सिंपल है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कहीं मंदिर मस्जिद में जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ रियल लाइफ प्रैक्टिस है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, वेरी इजी, बच्चों को सिखाओ, आप लोग करो एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और इससे इफेक्ट आपको इमीडिएटली देखना शुरू हो जाएगा, ओके। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो क्वेश्चंस? या प्लीज बेसिकली देखो, अगर हम डीएक्सएल का जो पास्ट अगर हम देखें 27 साल, डीएक्सएल में सेहत पैसा और खुशियां बांट, राइट। अभी जो शून्य जो इंट्रोड्यूस हो रहा है डीएक्सएल के जरिए हम शांति को बांटते, वी आर स्प्रेडिंग और मेकिंग द वर्ल्ड मोर पीसफुल एंड मोर ब्यूटिफुल, दैट इज अ मिशन, एंड इस टास्क को पूरे दुनिया में पहुंचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, सो वी हैव टू फॉलो दादा डॉक्टर लेन, सो हमारा यूनिफॉर्म है ये। अब जब हम किमोनो पहनते हैं तो वहां पे कोई जूता लेके अंदर नहीं जाता, कोई नॉन वेज नहीं खाता, कोई सिगरेट शराब कोई गाली गलौज कुछ नहीं होता, सो लुक एट द मैसेज बिहाइंड दिस, मीन कि अगर हमने किमोनो पहन लिया इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फॉलो द वैल्यू सिस्टम व्हाट डॉक्टर लेन इज आस्किंग अस टू डू। सो हम सबको अपना, बल्कि इस महीने में तो बहुत अच्छा ऑफर भी है, लोगों के साथ एक किमोनो फ्री मिल रहा है आपको, और जो लोग भी जा सकते हैं बोध गया जो जा सकते हैं, आई थिंक बुद्धा की नगरी है, वहां जाके जो एक्सपीरियंस करना चाहे आप कर सकते, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर डॉक्टर लेन से आपको मिलेगा, 5,000 लोग वहां एकत्रित हो रहा है,
सो ये मैसेज आप स्प्रेड कीजिए. यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, बिकॉज वी आर ऑल एम्बेसडर्स ऑफ डॉक्टर लिम, वी आर ऑल एम्बेसडर्स ऑफ पीस. सो लेट्स ऑल वियर दिस किमोनो वेयर एवर वी आर एंड वी कैन डू दिस प्रैक्टिस. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे और ये मैसेज को भर कर पहुंचाएंगे. ये तेलंगाना फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए आप जब ये खरीदते हो इसमें से $10 ये फार्मर्स के लिए हम अलग से रखते हैं. डॉक्टर लिम की एक फाउंडेशन है, श्रीमती इंटरनेशनल फाउंडेशन, सिफ के नाम पे. इसका वर्ड भी सिफर से शुरू हुआ, सिफर का मतलब शून्य, वो वहीं से हम लोगों ने ये वर्ड बनाया सिफ, SIF, श्रीमती इंटरनेशनल फाउंडेशन. और मजे की बात है, जब डिजाइनर को बोला लोगो बनाने के लिए, उसने सिर्फ नीचे का DXL हटा दिया और ध्यानोम हटा दिया, बाकी सब हो गया, तो वो हमारा शून्य का लोगो भी हो गया, आप देख सकते हो ऊपर. तो इतना अद्भुत चीज है, मतलब यही था वो ड्राइविंग फोर्स जिसने इस कंपनी को इतने अद्भुत तरीके से बनाया और फैलाया. तो इसका मतलब आप जब भी किमोनो खरीदोगे किसी फार्मर को आप हेल्प कर रहे हो. इट्स अ गुड एफर्ट, गवर्नमेंट करे ना करे, मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट बाय दिस मिड ईयर वी वुड हैव अक्यूमुलेटेड 75 लाख रुपीज बाय ओनली सेलिंग किमोनो एज फॉर द फार्मर. जो फार्मर है उनके वेलबींग के लिए हम लोग कर रहे हैं. तो 75 लाख रुपए ये हमने हमने वो फार्मर्स के लिए जमा करके रखे एंड इट्स अ बिग अमाउंट. ट्रस्ट मी उससे बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं. तो ऐसी चीजें हम काफी चीजें करना चाहते हैं एंड योर सपोर्ट विल बी एबल टू डू दैट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.